ये हमारे शामी कबाब अब तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी, बहुत नरम बने। अब इनको डिश आउट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक कप दाल ले लेंगे, यानी 100 ग्राम चने की दाल है ये। इसको भिगा देंगे, इसको धोकर 20 मिनट के लिए इसको भीगने देंगे। दाल को हमारे 20 मिनट हो गए हैं भीग कर। देखो कितनी अच्छी भीग गई है, ऐसा देखो टूट जा रही है ये। अगर आपको जल्दी होगी तो आप गर्म पानी में भी इसको भिगा सकते हो, तो जल्दी भीग जाएगी। अब इसको एक कुकर ले लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। अब आधा किलो मटन ले लेंगे, वो बोनलेस। कीमा का नहीं बनाएंगे, कीमा का काम अच्छा बनता है। इसको बनाकर आप देखें एक बार कितना अच्छा इसका रेशे रेशे लंबे लंबे रेशे वाला बनेगा। और इसको ऐसे ऊपर बिछा देंगे इसके दाल के ऊपर। अब इसके बाद इसमें बाकी के सामान डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, नमक तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लंबी लंबी प्याज कट कर लिए, 2 मीडियम प्याज है, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। और ये एक बड़ी लहसुन ले लिए थे अक्खी, इसको छील कर इसका निकाल के इसमें डाल देंगे। एक टुकड़ा अदरक का है, उसको बारीक बारीक कट करके डाल दिए। और ये 5 अक्खी मिर्चें सूखी लाल, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट फास्ट और 10 मिनट स्लो पे इसको गला लेंगे। 15 से 20 मिनट तक पकने को लग जाएगा, जब तक अपना दूसरी तैयारी करते हैं। एक बड़ी प्याज ले लेंगे, बारीक कर लेंगे इसको। और ये थोड़े पुदीने के पत्ते, इसको बारीक कर लेंगे। 5 हरी मिर्च है, इसको बारीक बारीक कर लेंगे। और ये कोथमीर है, ये पुदीने से डबल है, इसको भी बारीक कट कर लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अभी ये खुल गया है कुकर हमारा। अब इसको निकाल लिए हैं, देखो ये गोश्त और ये सब गल गया है इसका, ये गोश्त गल गया है, दाल भी गल गई है। अब इसको गोश्त को ना अलग निकाल लेंगे, एक एक निकाल के जार में डाल लेंगे इसको। हमने मटन को अलग अलग कर लिया है, दाल अलग है, मटन अलग है, दोनों को अलग अलग पीसेंगे। अलग पीसने से अच्छा रहता है, ये कीमा अलग बारीक होगा तो अच्छे से बारीक हो जाएगा और दाल जल्दी से बारीक हो जाती है, इसलिए उसको भी अलग कर लिए। ये हमारा मटन बारीक हो गया है, देखो इसको लंबे लंबे रेशे दिख रहे हैं। अब इसको निकाल लेंगे, ये दाल को एकदम बारीक कर लेंगे, एक ही प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें सब सामान डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला,
ये पुदीने के पत्ते जो कट किए थे और ये प्याज जो बारीक बारीक कटी हुई थी, इसको दोनों को डाल देंगे। और ये कोथमीर और ये हरी मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। इसमें एक नींबू का जूस डाल देंगे। अब इसको हाथ से सब मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगा, चम्मच से तो नहीं हो पाएगा। पूरा मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद कैसा बनाना है बताते हैं। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको थोड़ा से टेस्ट करके देख लें क्या कम ज़्यादा है, वो हिसाब से डाल सकते हैं आप मिर्ची, नमक, गरम मसाला। जो थोड़ा कम लग रहा हो, आप लोग ज़्यादा खाते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये तो सब बराबर है। एक कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, इसको ऐसा हाथ पे लगा लेंगे और इसको जितना बड़ा बनाना है उतना लेकर इसको ऐसा बराबर बराबर लंबा या गोल जो चाहिए, जो शेप में चाहिए आप वो शेप बना सकते हो। ऐसे ऐसे बनाकर सब रख लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये इस तरह से बना कर ले लो। एक पैन ले लेंगे, उसको गरम कर लेंगे। उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल जितना डालेंगे सब पी जाएगा वो। अब इसमें ऐसा एक एक करके डाल देंगे और गैस स्लो कर देंगे। अब ये हो गए हैं, हम इनको एक एक करके पलट लेंगे। अच्छे ब्राउन ब्राउन सेक लेंगे उसको। ये एक साइड हमारे सब हो गए हैं, देखो कितने अच्छे हुए हैं। अब एक साइड ऐसी भी स्लो आंच पे ही पका लेंगे उसको। ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। देखो कितने सॉफ्ट बने हैं।